सो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि हाउ टू फिक्स लैग इन फ्री फायर और फ्री फायर मैक्स इन नॉक्स प्लेयर। सो नॉक्स ऐप प्लेयर जो इमुलेटर है, इसमें काफ़ी सारे लोगों को लैग का प्रॉब्लम दिखता है, लेकिन आज की वीडियो में आपको इसका फिक्स बताने वाला हूँ कि आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं और फ्री फायर को स्मूथली इजीली खेल सकते हैं अपने लो एंड पीसी में। 1 कोर एंड 1 GB रैम वाले पीसी में डायरेक्टली आप चला पाओगे एंड कोई भी आपको मसला देखने को नहीं मिलेगा। एंड इसी वीडियो में आपको मैं अपना नॉक्स ऐप प्लेयर का वर्जन भी दे दूंगा जो मैं ट्राई कर रहा हूँ काफ़ी दिनों से, एंड काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इसमें मिल रहा है। तो आप उसको लिंक को क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो एंड आपको एक और एप्लीकेशन दूंगा जिसकी मदद से आपका और ज़्यादा लैग कम हो जाएगा। सो बिना टाइम जाएगी वीडियो स्टार्ट करते हैं। It's all about humanity. तो यहाँ पर मेरे पास पड़े हुए हैं 2 लिंक्स एंड ये आप देख सकते हो, एक नॉक्स प्लेयर एमुलेटर का 7.0.2 वर्जन है ये, इसका लिंक है एंड टाइमर रेजोल्यूशन ऐप, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये डाउनलोड करना चाहते हो तो कर लेना। जो मैं एमुलेटर यूज कर रहा हूँ, जो वर्जन मैं यूज कर रहा हूँ, उसका लिंक ये है एंड ये तो जरूरी डाउनलोड करना ही करना है, जो मर्जी हो इसको हमें डाउनलोड करके रख लेना है। वरना आप नॉक्स प्लेयर को उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, जो भी आपको लेटेस्ट वर्जन करना है वो कर सकते हो, लेकिन ये वाला मेरा वर्जन है, आपने अगर करना है तो कर लेना। तो अगर आपको इस लिंक से डाउनलोड करना है तो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो ये दोनों फाइल्स। तो जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे तो आप इस तरह की एक वेबसाइट पे आ जाओगे। तो आपको मैं सिंपली स्टेप्स बता देता हूँ कि आपने करना क्या है। यहाँ पे ह्यूमन वेरिफिकेशन कर देना एंड यहाँ पर आपको करना है आई एम नॉट अ रोबोट, तो ये कैप्चा फिल कर देना आपको एंड फायर हाइड्रेंट्स ये होते हैं, इसको मैं वेरीफाई कर देता हूँ एंड नीचे आएंगे तो क्लिक हियर टू कंटिन्यू। तो गाइस, ये जो न्यू टैब्स आते हैं ना, इसको हमने सिंपली क्रॉस करते जाना है और ये वाला पेज रीलोड होना चाहिए। जो यहाँ पर पेज आता जाएगा रीलोड होकर आपने सिंपली स्टेप्स फॉलो करते जाने। अब यहाँ पर कुछ सेटिंग्स आपने वेट करना है एंड नीचे जाके आपको दोबारा लिंक का ऑप्शन मिल जाएगा एंड नीचे आना यहाँ पर तो गेट लिंक, तो न्यू टैब आ गया, फिर से क्रॉस कर देना है एंड देखो गाइस, जो न्यू टैब आता जाएगा उसको हमने क्रॉस करते जाना है एंड ये वाला पेज रीलोड हो जाएगा। तो सिंपली इसी तरह आपने इसको कंटिन्यू करके डाउनलोड कर लेना एंड फाइनली आपकी फाइल डाउनलोड हो जाएगी। दोनों फाइल्स का ये तरीका है एंड आप इसको डाउनलोड कर लेना। तो ये फोल्डर है एंड इसके अंदर मेरे पास टाइमर रेजोल्यूशन ऐप एंड नॉक्स प्लेयर जो मेरा वर्जन है वो मैं इसके अंदर रखे हुए हैं। तो आप इसको सिंपली डबल क्लिक करना, ओपन कर लेना एंड यहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर पाओगे। तो ओवरराइट इंस्टॉल आ रहा है क्योंकि मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, इसलिए मैं इसको क्रॉस करता हूँ। आप सिंपली इसको ओपन करके इंस्टॉल कर लेना अब या भी करना चाहते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास नॉक्स प्लेयर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है क्योंकि मैंने कुछ सेटिंग्स की थी तो मैंने पहले इंस्टॉल कर लिया था इसे। सो अब हम इसकी कुछ टाइमर रेजोल्यूशन को इसको मैं यहाँ बाहर ले आता हूँ एंड अब हम इसको ओपन कर लेंगे। क्योंकि टाइमर रेजोल्यूशन क्या, ये एक ऐप है जिसकी मदद से आपको काफी सारा लैग कम हो जाता है एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरह के इंटरफेस हो गए। जैसे ही ओपन करोगे ये ओपन हो जाएगा एंड आपने इसको करना क्या है, मैक्सिमाइज कर देना है, सिंपली यही करना है एंड इसको हमने मिनिमाइज करना है, क्रॉस मत करना, मिनिमाइज कर देना एंड ये बैकग्राउंड में रन होता रहेगा। सो अब होगा ये एक सेटिंग, ये ऐप आपने ओपन कर लिया एंड अब आपने इसका लैग कम करने के लिए करना क्या, इसको हमने राइट क्लिक करना है एंड प्रॉपर्टीज में आ जाना, कंपैटिबिलिटी में आकर आपने इसको डिसेबल कर देना। यहाँ से डिसेबल फुल स्क्रीन ऑप्टिमाइजेशन एंड रन एज एडमिनिस्ट्रेटर एंड चेंज हाई डीपीएस सेटिंग्स में ओवरराइड पे टिक करके सिस्टम एनहांस्ड ओके अप्लाई एंड ओके। सिंपली ये हर बार मैं आपको कहता हूँ ये करना ही करना है, जो मर्जी हो एक सेटिंग होगी। और अब ये जो सेटिंग्स मैं बता रहा हूँ विंडो 8, 10 एंड 11 वाले यूजर जो है, विंडो 7 में ये सेटिंग नहीं होती। तो आपने करना क्या है, सिंपली यहाँ पर सर्च करना है ग्राफिक्स, तो ग्राफिक्स सेटिंग्स पे आ जाए। पता नहीं 8 पे होती है या नहीं होती ये वाली सेटिंग्स, ये मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन विंडोज 10 एंड 11 वालों के लिए तो ये होगा ही होगा। अगर नहीं है किसी के तो कोई ज्यादा मसला नहीं है, बाकी सेटिंग्स भी आप फॉलो कर लेना, आपका लैग कम हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने कहना है कि आप ब्राउज कर लेना एंड ये देखो गाइस, डेस्कटॉप पे मेरे पास नॉक्स प्लेयर ये पड़ा है, इसको मैं सिंपली ऐड कर दूंगा एंड यहाँ पर आ चुका है। अब आपने करना है ऑप्शंस एंड हाई परफॉर्मेंस, तो सेव कर देना बस, ये आपने करना है एंड अब आपको मैं बताता हूँ इसके अंदर की सेटिंग्स। तो अंदर का मामला भाई, अब इसको हम इसको ओपन करेंगे। तो गाइस एक और चीज बताना, जो VT जरूर ऑन कर लेना भाई, हर बार मैं आपको कहता हूँ कि आपका इम्युलेटर VT के सपोर्ट करने वाला नहीं है या करने वाला है, आपने VT जरूर ऑन कर लेना है। वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी जाके YouTube पे कोई भी वीडियो देख लो, आपको पता चल जाएगा कि आप कैसे ऑन कर सकते हो। सो यहाँ पर मेरे पास नॉक्स प्लेयर ओपन हो चुका है, यहाँ पर आप वर्जन भी दे सकते हो कौन सा है, 7.0.2 है एंड सेटिंग्स में आ जाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस, इसमें बहुत ही ज्यादा कम आपको CPU कोर्स एंड मेमोरी 768 MB ओनली आप यूज कर सकते हो, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा, ये मत करना आप। आप मिडल या हाई पर ही रखना, जो मर्जी जोन सा भी PC है मैं कह रहा हूँ आपको, आप ये मिडल या हाई पर रखना। तो मैं हाई पे कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास तो 2 कोर्स एंड 1 GB रैम भी है, तो मैं इसको कस्टम भी कर सकता हूँ 2 कोर्स एंड यहाँ पे मैं 1500 MB कर सकता हूँ।
तो इस तरह मैं इसको रख लूंगा। एंड यहाँ पर कंपैटिबिलिटी मोड या फिर बेसिक मोड आप रख सकते हो, आप बेसिक मोड पर जा सकते हो। ये बेसिकली है कि जिनके पास ग्राफिक कार्ड लगा होता है, गेमिंग कार्ड जिसको कहते हैं, जो भी छोटा मोटा ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, आपने तब ओपन जीएल प्लस को यूज करना होता है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है, सिर्फ सीपीयू पे आप गेम खेलते हो, तो आप सिर्फ डायरेक्ट एक्स को यूज कर लेना। बाकी आप स्विच करके जो आपको परफॉर्मेंस सही लगती है आप उस पर यूज कर सकते हो। मैं ओपन जीएल प्लस पे ही रखता होता हूँ, मैं इसको ये रख लूंगा अभी। तो 960x540 का लेना ताकि आपको ज्यादा लैग देने को ना मिले। एंड अब गेमिंग पे आते हैं, तो गेमिंग में 60fps इनफ है। एंड डिवाइस यहाँ पर Asus ROG 2, तो यहाँ पर आपका कोई सैमसंग वगैरह सेलेक्ट हो सकता है, तो आपने इसको Asus ROG 2 का लेना है। एंड डिस्प्ले वगैरह जो गाइस बाकी कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं होती, तो यहाँ पर मैं सेव कर देता हूँ एंड रीस्टार्ट नाउ कर देंगे। तो गाइस जैसे ये रीस्टार्ट होता है मैं आपको फ्री फायर प्ले करके दिखाता हूँ। तो फाइनली गाइस यहाँ पे हमारा नॉक्स प्लेयर रीस्टार्ट हो चुका है, एंड अब हम इसमें कर लेते हैं फ्री फायर को इंस्टॉल। तो मैं फ्री फायर को इंस्टॉल करके आपको मिलता हूँ। A few inches later. तो गाइस यहाँ पे मैं फ्री फायर को इंस्टॉल करके आ चुका हूँ, एंड मैं सिंपली इसको ओपन करूंगा एंड इसको प्ले करेंगे और देखेंगे कैसी परफॉर्मेंस हमें मिल रही है। सो यहाँ पर हमारी जो है गेम ओपन हो चुकी है, एंड यहाँ पर आप वन वाले बटन के साथ वाला बटन दबाओगे या फिर टैब का बटन जो होता है उसके ऊपर वाला बटन दबाओगे तो आपकी ये माउस लॉक हो जाएगा। तो माउस लॉक हो जाएगा, इस तरह आप फिर गेम प्ले कर पाओगे, और दोबारा दबाओगे तो ये अनलॉक हो जाएगा। एंड यहाँ पे एक छोटा सा अपडेट है 18MB का, तो जब तक ये अपडेट हो रहा है तब तक लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। 17K सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब है, शायद 17K सब्सक्राइबर के बाद ये वीडियो अपलोड हो, कोई पता नहीं, लेकिन फिर भी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना। वो तब तक के लिए मैं वीडियो को स्किप कर देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे फाइनली हमारी गेम ओपन हो चुकी है, अपडेट वगैरह सब कंप्लीट हो चुका है। एंड अभी मैं इसको स्क्रीन से ये जो कीज है इनको हाइड कर देता हूँ, काफी ज्यादा बुरी लग रही है। ये ओपेसिटी हम कर देंगे यहाँ से 0 एंड सेव कर देंगे। तो कुछ इस तरह की हमारी गेम अब जो हो रही है, आप यहाँ से साइन इन कर सकते हो फेसबुक से एंड गूगल से। तो मैं अभी गेस्ट अकाउंट से लॉग इन करके आपको दिखा देता हूँ डायरेक्टली, अब आपको मैं गेम प्ले के अंदर ही मिलता हूँ। तो गाइस आगे बढ़ने से पहले आपको मैं कुछ और सेटिंग्स बता देता हूँ। सेटिंग्स में आपने आना है, एंड यहाँ पर आपने डिस्प्ले में आकर स्मूथ कर देना है एंड नॉर्मल FPS पे कर देना है, और बस सिंपली यही करना है एंड आपको कोई लैग देने को नहीं मिलेगा। एंड अभी अल्ट्रा पे जा रही थी तो अब ये मैंने स्मूथ पे कर दी है। और अभी मैं आपको कोई गेम प्ले दिखाता हूँ, यहाँ पर क्लैश स्क्वाड में प्ले करके दिखा देता हूँ। तो उससे पहले हम इसकी कुछ की मैपिंग्स वगैरह कंट्रोल्स वगैरह सेट कर लेते हैं जो मैं यूज़ करता हूँ, एंड इनको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो प्रीसेट जो है गाइस हम प्रीसेट 1 कर देंगे, एंड यहाँ की मैपिंग जो है कुछ हम अपनी सेट कर लेंगे अपने हिसाब से। तो यहाँ पर इस तरह सेंसिटिविटी XY रेशियो आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो, जो भी आप रखना चाहते हो। एंड यहाँ पर मैंने सेटिंग्स कर ली हैं, सो यहाँ पर मैं इसको सेव कर देता हूँ। एंड सिंपली अब आपको मैं क्लैश स्क्वाड प्ले करके दिखाता हूँ और गेम प्ले चेक करवाता हूँ। क्योंकि यहाँ पे हमारी गेम स्टार्ट हो चुकी है और बहुत ज़्यादा स्मूथ गेम प्ले है, कोई भी मुझे लैग वगैरह देखने को नहीं मिल रहा, आप भी देख सकते हो। एंड ये बटन इसको अनलॉक करेंगे, एंड इसके अनलॉक वाले बटन को हम चेंज कर देते हैं कंट्रोल पे। सो इसकी सेंसिटिविटी एक्स रेशियो बहुत ज़्यादा है, इसको मैं थोड़ी कम करूँगा एंड वाई को थोड़ा सा ज़्यादा कर देता हूँ। एंड अब मैं ट्राई करता हूँ कि कैसी हमें देखने को मिलती है। तो कंट्रोल से अब लॉक हो रहा है एंड XY रेशियो बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है जो मैं चाहता था, एंड फायर वगैरह की मैपिंग वगैरह प्रॉपरली वर्क कर रही है, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही। एंड हेडशॉट वगैरह का सब कुछ प्रॉपरली वर्क कर रहा है, कोई भी मसला नहीं है इस सिमुलेटर में। एंड इसकी की मैपिंग भी बहुत ज़्यादा बेस्ट है। भाई इस तरह इस सिमुलेटर को आप अपने रियल पीसी में रन कर सकते हो और अपना लैग जो है फ्री फायर या फ्री फायर मैक्स के लिए रिड्यूस कर सकते हो। सो आई होप गाइस आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल को प्रेस करके ऑल पे कर देना ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लेना। तो बस फिर चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।